तो हेलो गाइस, अभी बजे हैं 11 और भाई आज फिर मुझे जाना है। ये महीना सितंबर का जो है पूरा भागदौड़ भरा और टेंशन भरा भी रहा है। तनाव भी आया, उतार चढ़ाव बहुत आया है और अभी भी चल ही रहा है। तो जी वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, जैसा भी है करेंगे इसका भी। तो अभी जाना है मुझे बाहर, और बाहर क्या भाई, बाहर के बहुत सारे काम फैले हुए पड़े हैं। तो मुजफ्फरनगर अभी जाना है, और मुझे जाना है एक मुहूर्त में। मुहूर्त है भाई, एक प्लांट है गांव के, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने जो है एक फैक्ट्री सेटअप लगाया छोटा सा, उसका जो है उद्घाटन है, वहाँ पे जाना। तो कई दिनों से भाग दौड़ के चलते, कल जो है हमने कैंप लगवाया था, एक मेडिकल कैंप लगवाया था जिसमें मेरठ के डॉक्टर्स आए थे। तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है न्यू लाइफ, उसकी डॉक्टर्स की टीम आई थी, उन्होंने चेकअप किए, और जो दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमारी तरफ से फ्री था। और ये फ्री था एक ख़ास ओकेशन पे, हमारे जो दादाजी हैं उनकी 30वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे ये। तो भाई हमने सलाह की कि भाई कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिससे भाई जनता को, गरीब तबके को भी लाभ हो, और हम जैसे बहुत सारे आदमी हैं उन्हें भी लाभ हो। तो आयोजन ये है कैंप का, बहुत सफल रहा, काफ़ी सारे लोग आए, पड़ोसी गांव के लोग, और लगभग लगभग जो है 200 जो पेशेंट है उन्हें हमने दवाइयाँ दी हैं। 200 से ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे आ गए थे, और बहुत अच्छा रहा ये। जो भी हमने सोचा था, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने सारे लोग आएंगे दवाइयाँ लेने के लिए, लेकिन सभी गांव वालों ने जो है ज़्यादातर लाभ इसका उठाया। लाभ उठाया है, और भाई हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हाँ पहली बार था ये हमारा कुछ धर्मार्थ के तौर पे कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, और एक खास मौके पे ये आयोजन और बहुत आप सफल लोगों का रहा। प्यार सपोर्ट रहेगा, आगे भी हम कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारी डॉक्टर्स की टीम आई थी उन्हें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और चेकअप के लिए जो भी आए थे पूरी टीम, तो ये बोल रहे थे कि आगे भी कुछ सोचेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे ऐसा कोई कैंप लगाएंगे। तो बहुत खुश होकर गए हैं डॉक्टर्स भी यहाँ से, तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और जितने भी मतलब मरीज आए थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी डॉक्टर्स की जितनी भी टीम है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलता हूँ भाई, भाई अब ठीक है, मैं, ठीक है, गर्मी बहुत है, देखो पसीने आ गए थोड़ी देर में ही, पंखा बंद कराना भाई, एक्स्ट्रा नॉइज ना गर्मी हो तो हो ही रही जाए। है ज़्यादा आज। मैं और प्रीति सुबह से लग रहे, और बच्चे स्कूल में से आते हैं, छोटे वाले भी बड़े वाले भी, ये कह रहे हैं आज साफ़ सफाई क्यों नहीं करी यहाँ की। पहले तो ऊपर की कंडीशन देख आओ, ऊपर वाले फ्लोर पर साफ करा, और प्रीति ने इतने सारे कपड़े धोए, तुमने तो आके बात बना दिया। मैं प्रीति कह रही, मैं कहीं ननू कह दूँगा हम सो गए थे, और अभी तोरी की सब्जी बना दी, पीले चावल पुलाव छोंक दिया मन्ने यहाँ से। ये देखो इसमें 2 सिट्टी आ जाएगी, ये बन के तैयार हो जाएगा जब तक ये केले खावेंगे। और ऊपर से जो किचन का सामान बचा हुआ था वो सारा साग सब्जी सब यहाँ से जो है ला कर रख दी मन्ने, तो किचन करेंगे थोड़ी देर में क्लीन, और ये बनेगी तुरई। ये देखो, और फिर भी बच्चों ने आके बस बड़ा आसान हो कहने के लिए कि कहने लगे आपने आज कुछ भी नहीं काम करा, मतलब ही नहीं, ये नहीं दिख रहा तुम चप्पल जूते भी ऐसे कैसे ही छोड़ गए थे, जहाँ जो सामान पड़ा था बस नीचे का नहीं संगवाया गया, लेकिन ऊपर की क्लीनिंग मैंने सारी कर दी। प्रीति ने कहती पहले ऊपर की कर दो, कोई भी आ जा तो फिर सब जो है ऊपर ही बैठ जाओ, बात यह है। तो चलो जी, मिर्च मसालों के डब्बे और ये सामान ढोया मैंने अकेली ने, ये नु करो जा जा कर, कहना क्या करा क्या करा, जबकि इतने सारे चक्कर जिनने पे लगे हैं ना, जब पता लगे। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ प्लांट में, जहाँ मुहूर्त पे मुझे आना था, और ये है परवान सैनी और इसके फादर परविंदर कुमार सैनी, इन्होंने ये प्लांट शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बनाने का। तो भाई सभी गांव से जो मान्य व्यक्ति हैं वे आए हुए हैं यहाँ पे, और मुहूर्त पे चल रहा है बाहर खाना पीना, और हम घूमेंगे अभी प्लांट में। तो भाई यहाँ पे है छोटू हमारे, ये बताएंगे भाई ये हैंडल करते हैं इस प्लांट को। तो बताओ भाई छोटू, ये टेकिंग हो रहा है अपना यहाँ? अच्छा, जो चीज अपना नीचे का बनता है उस पर टेकिंग कर रहे हैं, टेकिंग करने के बाद में ये फाइनल पे चलता है फिर इधर। अच्छा, ये आगे बढ़ता चल जाता है इधर, यहाँ से स्टार्ट है ये? हाँ, ये स्टार्टअप है, स्टार्टिंग होगी और स्टेप बाय स्टेप आगे बनता चला जाता है। उधर बॉक्सेस बनाने के लिए अपने, जो बॉक्स आगे बॉक्स हो गया, बैठने वाला हो गया, ड्राइवर बॉक्स हो गया, सीट होगी, वो अपना उधर असेंबल हो रहा है। तो ये किस चीज़ के, गैस कटर? ये भी सब चीज स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद चीज कंप्लीट होगा, चीज कंप्लीट होगा, उससे आगे बढ़ जाएगा, उससे आगे बढ़ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये सीरीज से चल रहा है? हाँ, सीरीज, पूरी सीरीज भाई। ये बारिश आ गई ना बीच में, ये बारिश में सारा कुछ हटाना पड़ेगा एकदम से, असेंबली कर रखी थी, ये बिल्कुल तैयार है, इसमें काम आ जाएगा। नहीं, ये रेडी है एकदम, इसमें बैटरी बैटरी लगने खाली। अच्छा, तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पूरी तरह से रेडी है और ऐसे सीरीज में चलता हुआ मैंने पहली बार देखा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भाई। और ये स्टार्ट किया है परवान सैनी ने भाई, इनका प्लांट है,
और हमें बुलाया था मुहूर्त पे भाई, खाना पीना तो हो गया, अब हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग से ले गए और तैयार होने तक, तो इस प्लांट में तैयार होगा। और टोटल मिग वेल्डिंग का रोल है इसमें, मिग वेल्डिंग से ही चलता है सारा। अच्छा, मिग वेल्डिंग अपनी मशीन पीछे लगी हुई है, इस तरह की है। हाँ, इलेक्ट्रिक मशीन है। अच्छा। ये मशीन है, ये इसका वायर फिल्टर है, वायर फिल्टर के थ्रू से टोचिंग से होता है सारा, टैगिंग होकर के वेल्ड होता है। तो इस प्लांट में लगभग कितने आदमी काम करेंगे? अपने अभी 150 के आसपास काम करेंगे इसमें, जो वेल्डर सही था, पेंटर सही था। कटिंग मशीन है लगी हुई है, ये सीट मशीन है काटने वाली सामने, ये पाइप कटिंग है, इससे पाइप कटता है, चेसी वगैरह कटते हैं, बैंड होते हैं, मोल्ड होते हैं, नहीं कटने वाली, काटने वाली, केवल काटने बैंडिंग वाली, वहाँ पे बैंडिंग वो बैंडिंग करके रोल करके होते हैं, जैसे कि तुमने अभी हमें उसे घुमाव देना है, जितने रोल डिग्री पे घुमाना है उसे डिग्री पे घुमाती है। ये सीट कटिंग है, ये सीट सीट काटती है, पूरी 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 सीट आती है लेंथ में 8x4 की, हाँ जी 8x4 की आती है, 8x4 में काट देती है, ये बैंड करती है उसको, जैसे मुड़ा हुआ है तो पूरा मैनेज ये करते हैं प्लांट, अकाउंट से लेके बाकी सब से लेकर ये एयर की पाइप आई हुई है, गन से अपना पेंट होता है, पेंट होने के बाद में ये भट्टी है, ये इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है। अच्छा, सूखता है गाड़ी रखी पेंट होने के बाद, पेंट होने वाली इसके अंदर बॉडी आएगी, इससे भी पेंट की साइजिंग बढ़ेगी। अच्छा। पेंट उतरेगा नहीं, किधर भी आप पूछोगे तो ये भी सूखने के लिए ही है ये। हाँ, ये सुखाती है खाली, ये बॉडी अभी सूखने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है, ये टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ये बंद लगेगा और डीजल पे चलती है ये। अच्छा, ये गेट पास देगा यहाँ पे, क्या नाम रख रखा है इसका? जैकी। और ये जैक यहाँ पे फाइनल तैयार होने के बाद गेट पास देगा गाड़ियों को, इसकी बिना इजाजत के बाहर नहीं जाएगी। तो ये हमारे चाचा जी रविंदर कुमार सैनी, प्लांट देख के मजा आया, बढ़िया अच्छा लगा है जी, और मेहनत भी है, मेहनत भी है। हाँ, इतना बड़ा सेटअप तैयार करना तो स्टार्टिंग से लेके कुछ कुछ लोगों को तो विरासत में मिला है कि भाई फादर कर रहे और बेटे को बैठा दिया, नए सिरे से शुरू करना एक बहुत बड़ी बात है। तो भाई प्लांट घूम लिए, मुहूर्त हो गया और जी आदर सत्कार भी होगा, बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये हैं हमारे भाई परविंदर कुमार सैनी, पड़ोसी हैं हमारे, और इन्होंने अपना ई रिक्शा में एक असेंबल करके एक गाड़ी बनाई है जिसकी यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुआ करेगी। एड्रेस मैं आपको बताऊँगा, और इसका नाम देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, खूब तरक्की करो मेरे भाई, चलो इजाज़त दो, थैंक यू। तो भाई ये है प्लांट, और ये है शामली बाईपास मीरापुर पुलिस चौकी के पास, पेट्रोल पंप के पीछे है, एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे। तो भाई जिसे डीलरशिप या कुछ भी लेना हो, ये है नाम सन इंडस्ट्रीज, सन की स्टेट। तो भाई चलो, धूप में तप रही है हमारी दादनो रानी, थोड़ी सी देर छाँव में करते हैं ऐसे, क्योंकि भाई यहाँ पर पार्किंग तो अभी है नहीं, अभी खेतों में ही है ये प्लांट, और ले कर चलते हैं। बोगे रेडी, हेलमेट, हेलमेट तो छाँव में ही रख रखा था मैंने, और बैग अपना ले लिया, इसमें जिसमें कागजात रहते हैं, और अब तैयारी करते हैं घर चलने की। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 5 बज गए हैं और अपना रूटीन स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा आराम किया मैंने और प्रीति ने, क्योंकि थकान भरा दिन था हम लोगों के लिए। तो अभी जगे हैं कल का भी पूरा दिन और आज का भी, आज संगवाने में, लेकिन उस तरीके से हम लोग कर नहीं पाए। गुड्डू को हमने बोल दिया था भाई अपने कमरे में खुद साफ कर लियो। तो ये कुछ चावल बचे हुए थे, ये देखो थोड़े ही बच गए थे, जो शाम में किसी ने डिनर नहीं किया क्योंकि सबने लेट खाना खाया था ना, तो माँ ने इनकी बना दी है कचरी सुखा के। थोड़े से ही आई हैं, आधा किलो होंगे बस, वैसे सब बाट बूट दिए थे क्योंकि भाई खाना जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो अभी शाम का टाइम है, तो ऊपर वाले जितने भी सूखे हुए कपड़े थे वो सब मैं लेके आ गई हूँ, अभी नीचे तारों पैसे ही फैल रहे हैं। और मेरी आँख कैसे खुली, बच्चों ने शोर मचाया कि मम्मी बंदर आ गए, क्योंकि कल बच्चों के नाना का नेक्कर ना बंदर उठा के लेके चले गए थे सबके सामने से ही, और नेक्कर फाड़ ही दिया नया। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा भाई नए पुराने मारे बहुत सारे कपड़े हैं, तो इससे अच्छा है उठने में ही फ़ायदा है और इन्हें उतार के रख दो यहाँ से तारों पे से। देखो सारे तार पे ये कपड़े अभी फैले हुए हैं, एक सबसे ज़्यादा कपड़े बंदर यहाँ से उतारते हैं,
ये छज्जे पे आके बैठ जा और खींच के ले जा। उन्हें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी ज़्यादा। तो चलो जी, बहुत सारे कपड़े थे प्रीति ने आज सारे के सारे अकेले ने धोए, क्योंकि मैं और काम में लगी हुई थी और फिर खाना खुना भी बनाना था देखो दोपहर का। चलो हो ही गया, मिल बांट के सब कुछ हो जाता है। बस स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए। और कल प्रीति भी थी वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि प्रीति नहीं थी। जहाँ पर घेर में कैंप लगा हुआ था वो भी गई थी, लेकिन फिर हम लोग जो हैं यहाँ पे पूरियाँ बनाने लगे थे, इस वजह से मैं और प्रीति कम टाइम दे पाए हैं वहाँ पे। वैसे अच्छा रहा बहुत और सब बहुत खुश थे। शाम के बज गए 6 और अब चलते हैं भाई घेर में। आज का दिन भी व्यस्त रहा पूरा। पहले तो मैं गया मुजफ्फरनगर और फिर वापस लौटा था 3 बजे वहाँ से। तो धूप गर्मी बहुत तेज़ थी, थोड़ा सा आराम किया, थक गया था भाई। और अब ये भी कह रही घेर में चलेंगे। कल कैंप करवाने के बाद में आ गए थे और उससे बाद में नहीं गए, तो चलो भाई वहाँ के। और हमारी भैंस की भी कल से तबीयत खराब है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। घास खाया इसने? नहीं घास नहीं खाया इसने, बस थोड़ी सी जुगाड़ी करी थी सुबह के 10 बजे। हो जाएगी ठीक। इसको कब्जी बनी हुई है, दवाइयाँ इसकी चल रही है कल से, लेकिन फिर भी भैंस उदास है। खाने की दवा नहीं लेती, इसके ना ड्रिप लगवाई थी और इसके जुगाड़ी बंद कर लाया आदमी की डाल बिल्कुल। इंजेक्शन जो है और जो बोतल है वो इसकी नसों में ही चढ़ानी पड़ी। हाँ। जैसे भी करा डॉक्टर ने, वैसे नहीं लेती भाई। 3-4 आदमी लगे थे, बहुत ज़बरदस्ती करके निकाल दी थी टैबलेट। कुछ तो मोटी आ गई हैं इनकी। तो भाई साफ सफाई तो हो रही ठीक यहाँ पे, और पिताजी तो खाट डाल के यहाँ गैलरी में लेट जा। तो बढ़िया हुआ तो यहाँ पर लगे ही है। हमने यहाँ पर कैंप लगाया था, उसमें पंखे कूलर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो हवा आर पार हो गई, वही काफ़ी रही। क्या हो गया भाई? आया नहीं था ये? आया था सब तो आए थे छुट्टी के बाद में। पजामा नहीं पहन रखा था ये, स्कूल जा रहे थे, स्कूल जाने के बाद आए थे छुट्टी के बाद यहाँ पे। और चिंकी ने कल छुट्टी मारी थी भाई, वो डॉक्टर्स की टीम से मिलना चाह रही थी और वो मिल भी रही थी। चिंकी फ्रेंकली है एकदम, सबके साथ अच्छे से बात करती है। और डॉक्टर ना चिंकी को एक स्टेथोस्कोप दे के गए भाई, सब देख गए दो। हाँ। सबकी धड़कन चेक कर रही थी कल ना, और उसी के लगा के ये कह रही थी इसे तो बहुत दिक्कत है, इसकी तो धड़कन बहुत तेज हो रही है। वो पता नहीं किस तरह कह रही थी, ये तो बिल्कुल वो बोल रही कहा। हाँ। तो इसने क्या काम मेरे माइंड में से निकल गई वो बात, लगा लगा के देख रही थी चिंकी। तो कार्य प्रगति पे है भाई यहाँ। और हमारी जो मिस्त्री की टीम है वो देखो वहाँ पे चढ़ी हुई है, क्योंकि इस पे फर्स्ट फ्लोर पे भी एक रूम बन रहा है, एक रूम बनवा रहे हैं वहाँ भी। भाई ठोकर दम मारे, चोट लग जाएगी यहाँ पे, अभी कंकड़ पड़ी यहाँ पे। इस एरिया में तो नहीं कुछ करना, इस एरिया में। हाँ। क्या करना चाह रही है यहाँ? पेड़ पौधे शुरू करेंगे बड़ा काम थोड़ा। पालक, धनिया, मूली, गज्जर, ये सब चीजें तो अभी बोने का मौसम है, जब तो अगेती होगी। पालक, धनिया, मूली और गाजर, ये सब चीज़ें यहाँ पे उगाने की प्लानिंग चल रही है भाई। उगा लिया, इतनी जगह तो खाली हो गई। ये रेत उठेगा ना, और बहुत सारे भाई देखो ऐसे। ये क्या है भाई? पानी की पाइपलाइन हम भी ले आए थे, अब 2 जगह से पानी ले सकते हैं यहाँ पे। पानी की आपूर्ति के लिए 2 स्रोत हमारे पास हैं। एक तो ये है भाई ट्यूबवेल का स्रोत, ट्यूबवेल चल रही है, ट्यूबवेल का पानी है चिंकी। हाँ जी। और एक पाइपलाइन है हमारी। सही कह रहे हो। और पापा जी अगर हमें सीधे जाना तो देखो। हाँ। आज मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। क्या दिखा? घर में पानी चल रहा, इस खेत में ये पानी चल रहा। हाँ। कैसा लग रहा? तो खेत है तो पानी तो चलेगा इसमें। देखो पापा जी यहाँ तक आ रहा मुझे, जब पानी चलता हूँ। ट्यूबवेल बंद हो गई है, पानी कम हो गया है, लेकिन अब नहाने का मौसम नहीं है, तुम नहा नहीं सकते यहाँ पर। तुमने गर्मियों में बहुत मज ली है यहाँ पे नहा नहा के, है जब आप वहाँ पे गए थे यात्रा पे तब ये बहुत नए यहाँ है। एंजल तो इसमें पूरे ट्रेन में लेट जाकर और सार्थक तो पूरा रोक देता है। एंजल और सार्थक ने भरपूर मजे लिए इस पानी के स्रोत के यहाँ ट्यूबवेल के। अच्छा। हम ना माते मछली की तरह तैर के वहाँ जाग रहे थे, मछली की तरह वंशी वंशी थे, हंसी चक्कर ऐसे चक्कर लगा कर रहे हैं। और फिर तो मैं तो पानी रोक दूंगा। कोई बात नहीं, एक छोटा सा स्विमिंग पूल इस कोने में बनवाऊंगे उधर अपने इसमें प्लॉट में, है ठीक है। अगली पापा जी ज्यादा गहरा ना बनवाइयो। नहीं नहीं गहरा नहीं, बच्चों के लिए बनवाऊंगे 2 फीट का बस, ठीक है। 2 फीट नहीं, 1 फीट भी नहीं, और आधी फीट भी नहीं। क्यों बड़ा? भी इतनी फिट, इतनी फिट पड़ी तो पन्नी। क्या पड़ी तो पन्नी नु कह रही मुझे मम्मी, देखो सांप की कैचली। कहा है सांप? झूठ बका रही मुझे मम्मी, डर जा। सांप की कैचली बता के डरा रही है। इस तरह की घास नहीं होने देनी।
ज्यादा घास। हाँ, इस तरह की घास खतरनाक हो, कुछ बढ़ कर बैठ जा। अच्छा, घास रखनी छोटी छोटी कटिंग वाली, कटिंग वाली घास बोनी, वैसे घास नहीं बोनी, जंगली घास नहीं बोनी, कटिंग वाली घास जिसमें बच्चे भी आराम से। प्लानिंग तो रोज चलती रहे ढेर सारी, भाई यहाँ ये उगावेंगे यहाँ वो उगावेंगे, बाकी तो भाई वक्त बताएगा कहाँ क्या उगेगा, फिलहाल तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है। आरुषि तू कहाँ जा रही थी, ऊपर छत पे हैं? चलो ऊपर देख के आते हैं क्या चल रहा है। बच्चों तुम नीचे रहो, अभी रेलिंग नहीं है, रेलिंग नहीं बैठा वहाँ पे अभी। अच्छा, अगर तुम्हें नहीं ले जाना है तो हम भी नीचे ही रहे। ये देखो ये कह रहे हैं आप भी नीचे ही रहो अगर हमें नहीं ले जाते तो। चलो भाई आराम से चलना, देखो हैं आरुषि तेजी में नहीं चलना, ऊपर जाते उंगली पकड़ लेना है। चलो एक तरफ दीवार है, वहाँ खड़े हो जाइए, वहाँ चलो दीवार के बगल में उधर, ठीक है? इधर को आरुषि, इधर को, उधर को, वहाँ को। इस पर लेंटर वाला रूम नहीं है, ये इस पर छत डलेगी, कहेंगी गाटर सिल्ली की है। जब ये पूरा बनागा ना, पिताजी नु कह रहे जब ये पूरा बनागा तो फिर उसमें लेंटर ये गाटर सिल्ली तो वापस चली जाएगी। अच्छा, पिताजी आइडिया दूर तक का लगावे ना, लेंटर तोड़ना पड़ेगा उसमें नुकसान होगा, तो इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने, तो ये नक्शे में शामिल हो जाएगा। हाँ। इसकी छत हटा के पूरा लेंटर करा जा सके यहाँ पे। हाँ। देखो साफ सफाई अभियान, आरुषि बस रहने दे, तो आ जा बेटा है, इधर होला पहले तो तू छज से इधर से तुझे कहा उधर की तरफ रही है, बीच में इधर ही आ रही, फिर जब वो समेट लो उधर वहाँ उस दीवार के बगल में। ये मौसम का फल है, क्या है ये? कचरा फल है, फूट कचरा कचरी, ये बढ़िया है। खेत के अगल बगल में घर हो तो भाई इनका भी फायदा हो रहा है। अंकित सारा अब तो फायदा है, आयो 12 घंटे रहे ना। देखो कितना बढ़िया पड़ोसियों ने दिया भाई, कलर देखो भगवान ने कितना बढ़िया बना रखा, कलर भर रखे एकदम बढ़िया तरीके से। इधर कटके हो गए भाई, इधर छज्जे का लेंटर डल गया। हाँ ये तो ऊपर चढ़े हैं, भाग भाग के। रेलिंग का जल्दी करेंगे जी, दीवार करवा दो इतनी ऊंची ऊंची, नहीं हवार पार भी तो होनी चाहिए, सही रहेगी रेलिंग। नहीं दीवार से डर के और रुक जा करेंगे, रेलिंग ही बढ़िया लगेगी। बाथरूम के वहां तो दीवार ही करवानी पड़ेगी, वहां तो दीवार हो जाएगी पूरी साइड। मौसम है बिल्कुल शांत, और ये मुझे लगता है कि तूफान आने से पहले वाली शांति है। हाँ। ये नहीं लग रहा, नहीं ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, एकदम शांत माहौल। आज मैं जा रहा था तो बारिश भी हो रही थी रास्ते में, और वो आधे किलोमीटर के दायरे में थी, बस आगे नहीं थी। मैं सोच रहा मगर वो भाई रास्ते में बारिश शुरू होगी, आगे तो समस्या हो जाएगी, आधा किलोमीटर जाते ही बारिश खत्म, इतने से टुकड़े पे बारिश थी। धूप छाव जैसा कैडा मौसम रहा, इसका मतलब है कि बारिश नजदीक ही लगने वाली, weather.com पता नहीं क्या बता रहे होंगे। रात के 9 बज गए हैं और बच्चे तो जल्दी से खाना पीना करके अपना ऊपर वाले रूम में चले गए थे, तो अभी मुझे देनी है चाचा जी को दवाई। तो चाचा जी बैठे थे यहीं वाले चाचा जी के पास में, तो दोनों चाचा जी जो है बात कर रहे थे आपस में बैठ के, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है। पिताजी भी अपनी चारपाई पे चले गए और प्रीति की थोड़ी सी तबीयत ढीली है भाई, काम का लोड तो आ ही रहा, देखो 15-20 दिन हो गए। और चलो जी अभी मैं भी चलती हूँ, और इस वाले ब्लॉग का ही पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।